तारे ब्रह्मांड की वो खूबसूरती जिसे देखना लगभग सभी को पसंद है। इस वीडियो में आप इस टिमटिमाते तारों के बारे में ऐसे अजीब और मजेदार तथ्यों को जानोगे ना कि जिसे सुनकर आप भी बोलोगे कि वाओ इट्स अमेजिंग। नंबर 15, हमारा सूरज जो कि एक तारा ही है, ये हमें धरती पर से पीला या लाल रंग का दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में वे सफेद रंग का है। यदि आप सूरज को धरती की ऑर्बिट से बाहर निकलकर देखोगे ना तो आपको वो सफेद रंग का यानी कि व्हाइट कलर का दिखेगा। नंबर 14, क्या आपको पता है कि तारे अलग अलग कलर के होते हैं? वैसे तो हमें आसमान में तारे एक ही कलर के दिखाई देते हैं, लेकिन ये तारों का रंग अपने टेम्परेचर और द्रव्यमान के हिसाब से अलग अलग होता है, जैसे कि ब्लू, व्हाइट, येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन। जो तारा सबसे ज्यादा गर्म होगा उनका कलर ब्लू होगा, और कम तापमान वाले तारे आपको रेड या ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे। और अगर इन तारों के एक्चुअल कलर को आप आसमान में देख पाओगे तो वे कुछ ऐसे दिखेंगे। इट्स अमेजिंग। नंबर 13, अगर आप एक मिनट में 100 तारों की गिनती करोगे ना तो भी आपको हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के सारे तारों को गिनने में करीब 2000 साल जितना टाइम लग जाएगा। वेल, अमेजिंग ये नहीं है कि आपको सारे तारे गिनने में 2000 सालों का टाइम लगेगा, बट अमेजिंग तो ये है कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में ऐसी खरबों आकाशगंगाएं मौजूद है। इन आकाशगंगाओं के तारे तो दूर की बात है, पर आप इन आकाशगंगाओं की भी गिनती नहीं कर सकते। नंबर 12, आपने अक्सर आकाश में तारों को टिमटिमाते हुए देखा होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। तारे कभी भी टिमटिमाते नहीं है। दरअसल वातावरण की कम या ज्यादा घनत्व वाली परत के कारण तारों का प्रकाश कम या ज्यादा दिखता है, इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में इनकी चमक कांस्टेंट ही रहती है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ हजार सालों के बाद इन तारों के कलर में और चमक में बदलाव जरूर आता है। नंबर 11, ये सबसे मजेदार पॉइंट है। अगर मैं आपको स्टार ड्रॉ करने को बोलूंगा तो आप उसे कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे, राइट? मगर हकीकत में तारों का आकार गोल होता है। जैसे हमारा सूरज है वैसे ही सारे तारे भी गोलाकार के ही होते हैं, लेकिन नेचर ऑफ लाइट की वजह से ये प्रकाश की किरणें कुछ इस तरह से फैलती है कि दूर से देखने पर हमें वो तारा ऐसे पांच कोने वाले शेप में दिखाई देता है। नंबर 10, तारों की उम्र का अंदाजा उसकी चमक, मूवमेंट, साइज वगैरह को दूसरे तारों से कंपेयर करके लगाया जाता है। 2 अरब साल पुराना तारा भी हमारे यूनिवर्स की नज़र में कम उम्र का ही माना जाएगा, क्योंकि पुराने तारे लगभग 10 से 13 अरब सालों के होते हैं। नंबर 9, तारों की एवरेज आयु लगभग 1 से 10 अरब साल की होती है, लेकिन कुछ तारे 10 अरब साल से भी ज्यादा टाइम तक जिंदा रहते हैं। तारा जितना बड़ा होगा उनकी आयु उतनी ही कम होगी, क्योंकि वे छोटे तारे के मुकाबले ज्यादा ऊर्जा की खपत करेंगे, जिसकी वजह से वे जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। नंबर 8, जब भी कोई तारे की आयु खत्म होती है तो वो एक बड़े से विस्फोट के साथ खत्म होता है। इस विस्फोट को सुपरनोवा कहा जाता है। ये विस्फोट इतना भयंकर होता है कि कई सारे लाइट ईयर दूर से भी इसे देखा जा सकता है। नंबर 7, अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि तारे टूटते क्यों है, तो ये जान लीजिए कि तारे कभी भी टूटते नहीं है। वास्तव में वे छोटे छोटे उल्कापिंड होते हैं जो हमारी धरती के आसपास घूमते रहते हैं, और कभी कभी वे धरती के इतने नजदीक आ जाते हैं कि हमारी धरती के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो धरती पर गिरने लगते हैं, और वायुमंडल में घर्षण के कारण उनमें आग लग जाती है, जिसकी वजह से वे हमें टूटते तारे जैसे दिखाई देते हैं। नंबर 6, ये सितारे हमसे इतने दूर है कि इन तारों की लाइट को हम तक पहुंचने के लिए हजारों सालों का टाइम लगता है, यानी कि अभी हम जो नज़ारा देख रहे हैं वो आज से हजारों साल पहले का होगा। इन तारों के वर्तमान की कंडीशन को चाहकर भी हम कभी नहीं देख सकते, हम केवल इनके भूतकाल की इमेज को ही देख सकते हैं। नंबर 5, हमसे सबसे नजदीक का तारा सूरज है, लेकिन वो भी हमसे 14,96,00,000 किलोमीटर दूर है, और सूरज के बाद दूसरा सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सीमा सेंचुरी है, जो हमसे करीब 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, यानी कि लाइट को भी उस तारे तक पहुंचने में 4.25 साल का टाइम लगेगा, और उसे किलोमीटर में लिखे तो वे हमसे कुछ इतने किलोमीटर की दूरी पर है। राउंड फिगर में बोलूं तो ये तारा हमसे तकरीबन 40,000 अरब किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हम हमारी सबसे फास्ट टेक्नोलॉजी की मदद से इस तारे के पास जाने की कोशिश करेंगे तो भी हमें कम से कम 70,000 सालों का टाइम लगेगा इस तारे तक पहुंचने में। अगर सबसे नजदीक का तारा ही इतना दूर है तो सोचो आप जिस तारों को आकाश में देख रहे हो वो हमसे कितना दूर होंगे, और उनकी साइज कितनी बड़ी होगी जो इतना दूर होने के बावजूद भी आप उसे आंखों से देख सकते हो। नंबर 4, उत्तरी ध्रुव तारों को लोग दिशा ढूंढने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये तारा हमेशा एक ही जगह पर रहता है, जबकि बाकी तारे अपनी जगह बदलते रहते हैं। नंबर 3,
आसमान के सबसे गर्म तारे का नाम WR-102 है, जिसकी सरफेस का तापमान करीबन 209,225 डिग्री सेल्सियस है, जिसके मुकाबले हमारे सूरज का तापमान केवल 5,504 डिग्री सेल्सियस ही है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये तारा कितना भयानक और चमकीला होगा। नंबर 2, अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा तारा युवा स्कूटी नाम का है, जो हमसे करीब 9,500 लाइट ईयर की दूरी पर है। ये तारा इतना बड़ा है कि इसमें हमारे सूरज जैसे लगभग 5 अरब तारे समा सकते हैं, और हमारी पृथ्वी जैसी लगभग 65 लाख अरब पृथ्वी इस तारे में समा सकती है। नंबर 1, हबल टेलीस्कोप की मदद से अब तक के खोजे गए सबसे दूर के तारे का नाम इकार्स है। ये तारा हमसे इतना दूर है कि इस तारे की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 9 अरब साल का टाइम लगा है। तो ये थी तारों के बारे में कुछ मजेदार बातें, जिसे जानकर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। इस चैनल पर आपको ऐसे ही मजेदार वीडियोस मिलते रहेंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।